भगवान प्लीज आगे जाने दो, आगे जाने दो। अरे ओपी ओपी ओपी। गाइस फाइनली आज अपन करने वाले हैं आरपी पॉइंट की क्रिएट ओपनिंग। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जो लगी है वो एक ही चीज़ है। सबसे पहले इन्वेंटरी में जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ एसआर के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ना मोशिन नगट की कोई भी स्किन नहीं है। तो इस बार हम लेने की कोशिश करेंगे मोशिन की स्किन। क्या लगता है आपको, हमें मिल पाएगी या फिर नहीं? एक बार आप स्किन देख लीजिए गाइस, काफ़ी ओपी स्किन लग रही है। ये देखो आप पोस्टर में भी देख सकते हो, तो स्किन तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन क्या हमें स्किन मिल पाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में? तो लेट्स सी यार। हमारे पास आई थिंक 3500 आरपी पॉइंट कुछ है, 3200 आरपी पॉइंट हमारे पास अभी फिलहाल है। और अपने को चाहिए 550। रिडीम पे जाते हैं और 525 पे अपने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या अपने 3300 पॉइंट में 525 ड्रॉप हो पाते हैं या फिर नहीं, या फिर हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक से, और ये कुछ वाउचर वगैरह यूज़ हो रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये फर्स्ट वाले में जो है, फर्स्ट वाले में सिर्फ 6 तक ही गया है, तो अपन इसको कलेक्ट कर लेंगे इस बार। ये मैं क्यों किया हूँ आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। ओके अगेन स्टार्ट करता हूँ, अगेन वाउचर जो वो यूज़ होगा। आगे चला जा छोटे। नहीं यार, कुछ कुछ बार ना ये बहुत आगे चला जाता है, मतलब एक ही इसमें बहुत आगे चला जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, एडवांस सेफली करूँगा। अगर ये फर्स्ट वाले में ही हो जाता है तो अरे यार, अब गाइज ये मेरे से और एक बार खाएगा। देखना मैं जो बोल रहा हूँ ना वही होगा, ठीक है? अभी एक बार ये ख़त्म हो गया ना, मतलब एक बार ये फट गया ना, दूसरी बार भी फट जाएगा, देखना। ये देखो जैसे कि मैं बोला था, अब ये तीसरी बार में एक पे रुकेगा या फिर दो पे रुकेगा। भाई हमको सब पता है भाई। चलो ठीक है, वापस एक बार अपन क्या करेंगे ना, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने जो जो पॉइंट है वो ख़त्म हो गए। अपने को पॉइंट जो है रिडीम करने पड़ेंगे, अब आरपी से ऐड करने पड़ेंगे पॉइंट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और पॉइंट्स को अपन जो है ऐड कर लेते हैं। अपने काम करते हैं, 1500 आरपी पॉइंट के जो है कॉइन खरीद लेते हैं और अब देखते क्या होता है। अरे भाई दो पे ओपी, एक ही इसमें। अब एडवांस सेफली करने के लिए हमें 15 की ज़रूरत होगी। अगर 15 एक ही इसमें हो जाता है तो ठीक है, अगर एक इसमें नहीं हुआ तो 3 इसमें होगा। ठीक है लेट्स गो, फटा नहीं। अरे बहुत बढ़िया ओपी, क्या बढ़िया चीज़ हुई है, मज़ा आ गया गाइज। अभी अपन थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे, 35 लगेगा। और भाई अगर सोच लो, मतलब अगर एक इसमें नहीं हुआ ना तो बहुत पॉइंट खाएगा अपने ये। अरे छी भाई, ओ छी भाई, मेरे को लगा कि साला फटने के बाद भी हो गया क्या, लेकिन नहीं। अब ये वापस एक बार फटेगा, कन्फर्म फटेगा, बोला था ना। अब ये आगे जाएगा इस बार, 100% आगे जाएगा भाई। पूरा अल्गोरिदम पता है मेरे को इनका। अब यहाँ पर मुझे 153 ड्रॉप जो है वो मिल रहे हैं, और अगर मैं चाहूँ तो इनको बढ़ा भी सकता हूँ। क्या बोलते हो, किस्मत आजमाए अपनी, थोड़ा सा और आगे जाया जाए। अगर 720 रिडीम करता हूँ मैं, और भाई अगर मैंने इसको वेस्ट कर दिया ना तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर ये आगे नहीं गया तो। भगवान प्लीज़ आगे जाने दो, आगे जाने दो। अरे ओपी ओपी ओपी, ओ भाई। तो गाइस थोड़ी सी लालच आ रही है मेरे मन में, अगर एक और बार किया जाए तो फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और अपने को यहाँ पर पॉइंट लगेंगे लगभग, अपने पूरे आरपी पॉइंट जो यूज़ हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही बार अपन स्पिन कर पाएंगे। और उस एक बार स्पिन में अपने को भाई मिल सकते हैं 650 के आसपास कुछ मिल सकते हैं। तो एक बार मुझे लग रहा है यार, इसको कलेक्ट करूँ या फिर स्पिन करूँ, कलेक्ट करूँ या फिर स्पिन करूँ। 1081 है अपने पास और इसके लिए चाहिए 1056। तो एक काम करते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट 88 पॉइंट हो गए हैं, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पिन बचा है। अगर इस एक स्पिन में कुछ अच्छा हुआ तो हमें भाई बहुत कुछ मिल जाएगा, वरना यहाँ से हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। जय बजरंगबली। अरे नहीं यार, ओ फ्रेंड साला पूरा वेस्ट हो गया भाई, ओ छी भाई। अरे यार भाई, इसलिए बोलते भाई लालच नहीं करनी चाहिए। ये देखो भाई, मतलब 3500 के लगभग हमारे पास पॉइंट थे, और 3500 पॉइंट में हमें लिटरली 550 तक हमारे पास ड्रॉप नहीं हो पाए। अपने पास हुए सिर्फ और सिर्फ 339, मतलब 350 भी नहीं हुए भाई, बहुत गलत। और इसमें हमारी गलती थी, हमने लालच किया। जो लास्ट के जो 1000 पॉइंट थे हमें उनको वहाँ पर वेस्ट नहीं करना था, हमको वहाँ पर ना उनको वापस रिस्टार्ट करना था, मतलब वो 350 कलेक्ट करके। तो अभी जो है गाइज अपने पास कुछ चीज़ें हैं जो है अपन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अभी अपने को 350 में तो भाई ये हैट मिलेगी 180 में, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
ये बाइक की स्किन तक हमें नहीं मिल पाएगी, उतने पॉइंट भी हमारे पास नहीं हुए, मतलब उतने ड्रॉप भी नहीं हुए। अब इनका आरपी पॉइंट का मैं क्या ही कर लूँगा, अब मतलब घुमा फिरा के वही करना है। पेंट मेरे पास भरे पड़े हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, बहुत घटिया रेट है। अब दो चीज़ें करेंगे, सबसे पहले तो ये इसको पूरा मैक्स कर देंगे अपन और कलर कर लेंगे, दूसरी चीज़ इसको भी ये पूरा मैक्स कर देंगे अपन और कलेक्ट कर लेंगे। 5 क्रिएट्स मिल गए यहाँ पर। अब अपने लगभग जो है 100 अपने जो ड्रॉप है वो ख़त्म हो गए, अभी भी 250 बचे हैं। तो भाई इनको कहाँ पर उड़ाया जाए, अपन एक काम करते हैं पेंट खरीद लेते हैं, अभी भी मेरे पास 100 बचे हैं, तो मैं क्या करूँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं क्रिएट्स में ऐसा क्या है बढ़िया सा देख लेते एक बार। तो ठीक है गाइज, अभी अपने को यही ओपन करना पड़ेगा, क्रिएट ही ओपन करनी पड़ेगी और मुझे गारंटी है कि हमें क्रिएट में कुछ नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी। एक ओपन करके देखते हैं पहले कि ये कुछ घटिया सी चीज़ मिली है। वापस एक बार ओपन करते हैं, सिल्वर फ्रैगमेंट कॉइन, ठीक है सिल्वर फ्रैगमेंट कॉइन भी मिल जाए अपने को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन आई थिंक 5 बार ओपन कर पाएंगे, तो अभी इसको 5 बार ओपन करते हैं। भाई इतनी ख़राब किस्मत, लिटरली इतनी ख़राब किस्मत। चलो ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमारे पास जो है लगभग 500 से ज़्यादा क्लासिक के जो स्क्रैप कूपन्स है वो हो गए हैं, और प्रीमियम के कुछ ज़्यादा ही कम है यार। अच्छा आई थिंक प्रीमियम के मैंने कंबाइन करके रखे हैं, ये रहे प्रीमियम के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आप ये गलती नहीं करोगे, आप ये लालच नहीं करोगे, जितना है उसको कलेक्ट करो और फिर वापस स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत आगे चले गए हो तो ज़्यादा कॉइन वहाँ पर वेस्ट मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।